गोरखपुर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, गोरखनाथ मंदिर पर हमले में घायल हुए जवानों से अस्पताल में जाकर की मुलाकात। गोरखनाथ मंदिर में बहादुरी दिखाने वाले तीनों सुरक्षा कर्मियों को यूपी सरकार सम्मानित करेगी। 5 लाख रुपए की इनाम राशि दी जाएगी। तीनों को शौर्य पदक देने की सिफारिश की गई। सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार, गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में सुनी आम लोगों की फरियाद। यूपी के सहारनपुर में चला योगी का बुलडोजर, रोड पर बने अतिक्रमण को बुलडोजर से हटाया, कुछ लोगों ने अतिक्रमण अभियान का किया विरोध। ग्रेटर नोएडा में योगी की पुलिस एक्शन में राजेपुर अंडरपास के पास बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़, पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर हथियार और वाहन जब्त किए। यूपी के कासगंज में शराबी युवक की शिकायत करने पहुंची महिलाओं को सदर कोतवाली के थानेदार ने चुप कराया, शिकायत करने गई महिलाओं को ही थाने में बिठाया, कार्रवाई न होने से नाराज महिलाएं धरने पर बैठी। दिक्कत हमें ये, हमें इंसाफ नहीं मिल रहा है सर, ये कह रहे हैं हमसे कि हम तुम्हारे ऊपर ही उल्टा केस लेंगे। यूपी के भदोही में टीचर की हत्या, बेटी से एकतरफा प्यार करने वाले युवक पर हत्या का आरोप, टीचर की बेटी की शादी तय हो जाने से था नाराज, आरोपी गिरफ्तार। बदायूं के रायपुर गांव में आधार कार्ड में दिखी अजीबोगरीब गड़बड़ी, आधार में बच्चे के नाम की जगह लिखा था मधु, 5वां बच्चा, आधार कार्ड सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। बिहार के सीवान में एमएलसी चुनाव के निर्दलीय उम्मीदवार रईस खान के काफिले पर हमला, AK-47 से हुए हमले में 1 की मौत, 4 लोग घायल, कल रात करीब 11 बजे की वारदात। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का नीतीश सरकार पर हमला, कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाते हुए कहा राज्य में हर 4 घंटे में बलात्कार और 5 घंटे में मर्डर होता है। मुख्यमंत्री पद छोड़कर राज्यसभा जाने की चर्चा पर नीतीश कुमार का खंडन, खबर को बताया गलत, बोले मैं खुद आश्चर्यचकित हूँ। ऐसे ही कुछ भी छापते रहता, हम भी देख करके आश्चर्यचकित रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है सर। बिहार सरकार का फैसला, शराबियों पर कम किया गया जुर्माना, शराब पीते पकड़े जाने पर 2 से 5 हजार रुपए का जुर्माना, जुर्माना ना भरने पर 30 दिन की जेल। झारखंड के पाकुड़ में शक के चलते प्रेमी ने की प्रेमिका की हत्या, आरोपी ने प्रेमिका को दिया था मोबाइल फोन, किसी दूसरे लड़के से फोन पर बात करने के शक में किया कत्ल, आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली के रोहिणी में 2 करोड़ की लूट के मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार, मुख्य आरोपी दीपक पहले भी कर चुका है 1 करोड़ की लूट, सीसीटीवी में आरोपी का खुलासा, 29 मार्च को हुई थी लूट। एटीएम में कैश डालने के बहाने 77 लाख का लगाया चूना, मुंबई के गोरेगांव की घटना, शक ना हो इसलिए लगाई एटीएम में आग, आरोपी गिरफ्तार। चंडीगढ़ पर अधिकार को लेकर पंजाब हरियाणा में सियासी जंग, हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर ने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया। चंडीगढ़ पर बढ़ रहा बवाल, कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा चंडीगढ़ पंजाब का है और रहेगा, हरियाणा के साथ अगली लड़ाई पानी के लिए। एमपी में शराबबंदी पर शिवराज और उमा भारती आमने सामने, उमा ने कहा शराबबंदी हो, शिवराज ने कहा शराबबंदी नहीं होगी लेकिन शराब ना पीने के लिए चलाया जाएगा शराब मुक्ति अभियान। एमपी के मुरैना में अवैध शराब फैक्ट्री संचालक के घर को बुलडोजर से गिराया गया, आरोपी धर्मवीर गुर्जर पर दर्ज आधा दर्जन के अधिक आपराधिक मामले। हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में अब होगा गीता का पाठ, 9वीं से 12वीं क्लास तक गीता बनेगी पाठ्यक्रम का हिस्सा, 3री कक्षा से पढ़ाई जाएगी संस्कृत। विनय मोहन क्वात्रा होंगे भारत सरकार के अगले विदेश सचिव, विनय मोहन क्वात्रा अभी नेपाल में भारत के राजदूत के रूप में सेवाएं दे रहे हैं, 30 अप्रैल को रिटायर होंगे क्वात्रा। साउथ दिल्ली के मेयर मुकेश सूर्यान ने नवरात्र के मौके पर मंदिरों के करीब खुले में मीट बेचने वाली दुकानों को 11 अप्रैल तक बंद रखने को कहा, कमिश्नर को चिट्ठी लिखी, फरमान पर छिड़ा सियासी बवाल।
बाइक खरीदने की चाहत रखने वालों के लिए मुश्किलें बढ़ाने वाली खबर, हीरो मोटोकॉर्प के स्कूटर और मोटरसाइकिल आज से 2000 रुपए तक महंगे। पिछले 24 घंटों में कोरोना के सिर्फ 795 मामले सामने आए, 1208 लोग डिस्चार्ज हुए, 24 घंटे में 58 लोगों की कोरोना से हुई मौत। दिल्ली सचिवालय के बाहर पैरामेडिकल स्टाफ का प्रदर्शन, सरकार पर एक दिन के नोटिस पर कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने का आरोप, कहा कोरोना काल के दौरान कई बार बढ़ाया कॉन्ट्रैक्ट लेकिन अब बिना नोटिस के कर दिया बेरोजगार। ओडिशा के जगन्नाथ मंदिर में अज्ञात लोगों ने की 40 चूल्हों के साथ तोड़फोड़, महाप्रसाद तैयार करने में होता था इस्तेमाल, दुनिया की सबसे बड़ी रसोई रोसा घर में थे ये चूल्हे। राजस्थान में हिंसा की आग से नवजात बच्चे को बचाते कांस्टेबल नेत्रेश शर्मा की तस्वीर हुई वायरल, पुलिस महकमा कर रहा है जज्बे को सलाम, राजस्थान के सीएम ने कांस्टेबल नेत्रेश शर्मा से फोन पर बात कर उन्हें शाबाशी दी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसे महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक की न्यायिक हिरासत 18 अप्रैल तक बढ़ाई गई। जम्मू कश्मीर के पुंछ में मिला आतंकियों के हथियारों की खेप, पुलिस और सेना ने ज्वाइंट ऑपरेशन चलाकर एलओसी से सटे गांव से सेना के ने हथियारों का जखीरा बरामद किया। जम्मू कश्मीर के शोपिया में आतंकियों ने कश्मीरी पंडित को मारी गोली, शोपिया के स्थानीय अस्पताल में भर्ती, पूरे इलाके में सुरक्षा बल तैनात। जम्मू कश्मीर के लाल चौक में आतंकियों ने 2 सीआरपीएफ जवान को गोली मारी, जवान अस्पताल में भर्ती, आतंकियों की तलाश जारी। कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों ने गैर कश्मीरियों को निशाना बनाया, पंजाब से मुर्गे लेकर जा रहे 2 ट्रक ड्राइवर हमले में हुए घायल, पुलिस ने 30 से ज्यादा संदिग्धों को पकड़ा। सरिस्का के जंगलों में भड़की आग पर 80% के करीब पाया गया काबू, करीब 200 वनकर्मी और ग्रामीण जुटे हैं आग बुझाने में। हिमाचल प्रदेश के चंबा में एचआरटीसी की बस में अचानक लगी आग, बस जलकर पूरी तरह खाक, बस में 18 से 20 यात्री सवार थे, समय से बस से बाहर निकले सभी। वाराणसी के भिकारीपुर गांव में हुआ हादसा, खेतों के ऊपर से गुजर रही बिजली की तार टकराई, तारों से निकली चिंगारी से फसल में लगी आग, 50 बीघे में खड़ी हुई गेहूं की फसल जलकर खाक। शिमला के कंडाघाट रेलवे स्टेशन के पास हुआ हादसा, ट्रेन के कोच पटरी से उतरे, कोई हताहत नहीं, गाय से ट्रेन टकराने से हुआ हादसा, सभी ट्रेनों को रोका गया। मुंबई में हुआ जर्सी फिल्म का ट्रेलर लॉन्च, लॉन्च के मौके पर मौजूद रहे अभिनेता शाहिद कपूर, मृणाल ठाकुर और डायरेक्टर गौतम तिन्नानूरी। किधर गया, चुप रहे तो देख, हाय मेरे कबीर सिंह, जोरदार तालियां, नहीं कबीर की कभी गलती नहीं हो सकती, गलती दूसरे लोगों की होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडो अमेरिकन सिंगर फाल्गुनी शाह को ग्रैमी अवार्ड जीतने के लिए बधाई दी, सर्वश्रेष्ठ बाल एल्बम कैटेगरी में अ कलरफुल वर्ल्ड के लिए अवार्ड मिला है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।